वेलकम टू जायका दिल्ली चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मुरमुरे की झाल मूरी। तो ये बहुत ही डिलीशियस लगती है अगर आप किसी पार्क में किसी वेकेशन पे जा रहे हो फैमिली के साथ या पर्सनली भी जा रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे मूंगफली, जिनको मैंने फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे। तो इन्हें फ्राई करने में मेरा 2 मिनट लगेगा अप्रॉक्सली। इतने में आप एक प्याज को काट के रख लीजिए, जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, क्योंकि हमें प्याज को सिर्फ इतना पकाना है कि उसमें से स्मेल जो है वो ना आए, मतलब उसको एकदम लाइटली पकाना है। तो मैंने इतने प्याज काट लिए, तो थोड़ी देर पहले इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्का हल्का सा रेडिश होंगी, फिर जो है हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है मूंगफली जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, तो उसको स्किप ना करें। और यही प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए इसीलिए मैंने इसमें आधा चम्मच करीब नमक डाल दिया है पूरे में अच्छे से छिड़क के। तो अब मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी। तो मैंने एक पूरी प्याज काट के डाली है। आप अगर प्याज को ज़्यादा मतलब आपको टेस्टी लगे इसमें तो आप जो है 2 प्याज भी डाल सकते हो। वैसे इसके लिए एवरेज में मैंने एक ही प्याज ली है जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। तो प्याज डालने के बाद उसको भी मैं ऐसे चलाती रहूँगी क्योंकि कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अब मैं इसमें थोड़े से मखाने भी डालूंगी क्योंकि मखाने जो हैं वो एकदम कुरकुरे हो जाते हैं जब उनको फ्राई करते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वैसे तो हम सारी चीज़ें एकदम हेल्दी डालने वाले हैं, आपके लिए एक ब्रेकफास्ट टाइप का हो जाएगा अगर आप इसे मॉर्निंग में भी लोगे। तो चलिए अब मैं जो है मुरमुरों को भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो पहले मैंने जो सामान फ्राई किया है मैं उसे एक बाउल में अलग निकाल लूँगी। मुरमुरों को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बस इनको हल्का सा हॉट कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा कुरकुरे हो जाएंगे इसलिए इनको बस सिर्फ 1 मिनट के अंदर पका लेना है, चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो इन्हें चलाते रहना है और फिर जो है मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी बस 2 मिनट के अंदर। अब मैं इन सब मुरमुरे को एक बाउल में कैरी कर लूँगी और उसमें मैं अपने सारा इंग्रेडिएंट जो मैंने पहले फ्राई किया था वो मैं डाल दूंगी। और डालने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ सामान और भी लेना है, जिस लाइक आप जो है नमकीन वगैरह ले सकते हो अगर आप ऐड करना चाहो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप नमकीन डाल रहे हो तो आप यहाँ ध्यान रखें कि नमकीन जो है या तो मिक्स लें, जैसे मैंने यहाँ नवरत्न का एक मिक्सचर लिया है, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप जो है इसमें क्या लें, आलू भुजिया लें या फिर नींबू भुजिया लें। जो मैंने भुजिया ली है वो उससे इसमें टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रहा है। ठीक है, तो बेटर है कि आप भुजिया भी लें और एक नवरत्न ले लें, इन दोनों में से कोई भी नमकीन ले लें जो कि बेस्ट रहेगी आपके नाश्ते के लिए। तो ये काफ़ी हेल्दी रहेगा, ऐसे नहीं है कि ये नॉन हेल्दी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी।